ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाकियू के पदाधिकारियों ने सीओ के दफ्तर के बाहर घेराव किया। इतना ही नहीं बल्कि भाकियू जिलाध्यक्ष ने सीओ पर अपने पदाधिकारियों से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। सीओ ने माफी मंगवाने पर अड़े भाकियू नेताओं का कहना है कि अगर जल्द सीओ ने माफी नहीं मांगी तो जिले में सैकड़ों किसान यही चूल्हा चौका लेकर डेरा डाल देंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन डकैत गुट के जिलाध्यक्ष शमीम सिद्दीकी ने सीओ सदर कमलेश कुमार पर आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उन्हें तहसील उपाध्यक्ष उपेंद्र राजपूत किसानों की कोई समस्या लेकर सीओ के पास गए थे, लेकिन सीओ ने उनकी समस्या सुनने के बजाय अभद्र भाषा बोलकर अपमानित कर दिया। आपको बता दें कि जब सीओ की बात पता चली तो उन्होंने इस पर हंगामा काटा। बता दें कि जिसके चलते लोगों ने ऑफिस में घिराव किया। उन्होंने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो भारतीय किसान यूनियन इसी परिसर में उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद सभी लोगों का। धरने का मूल कारण यह था कि हमारा एक पदाधिकारी है, तहसील अध्यक्ष कन्नौज, पढ़ा लिखा लड़का है, जिम्मेदार आदमी है, वो किसानों की समस्याओं को लेकर सीओ सदर के पास आया हुआ था 5 दिन पहले। सीओ साहब को उसने अपना बताया, नमस्ते किया, परिचय बताया, जो सिस्टम होता है अधिकारी का। सीओ साहब पता नहीं कौन सी बात उनके दिमाग में क्या चली तो भड़क गए एकदम।